तभी देश इस चौकीदार पर भरोसा करता है। वाकई हिंदुस्तान की जनता को चौकीदार पर भरोसा तो बहुत है, लेकिन कोरोना ने आम आवाम पर कुछ ऐसा कहर बरपाया कि आखिर चौकीदार की लाठी भी बस सियासी हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना का काला चेहरा कुछ इस तरह वापस घूमने लगा कि जनाब अब तो ये भी लगने लगा है कि आने वाले वक्त में कहीं पिछले साल की तस्वीरें दोबारा ना बन जाए। अब तो हालात भी कुछ ऐसे होने लगे हैं कि कहीं लॉकडाउन में लोग अपने घरों में कैद ना हो जाए। लेकिन लगता है हिंदुस्तान के इस चौकीदार को शायद इस बात की कोई चिंता नहीं। साहब, जब बात होती है सियासत की तो अक्सर यही कहा जाता है कि राजनीति में तो सब कुछ जायज होता है। जब सियासी हार जीत की लड़ाई लड़ी जाती है तो फिर सभी कानून और नियम कायदों को भी ताक पर रख दिया जाता है, और ऐसा ही कुछ हमारे हिंदुस्तान के वजीर आला यानी देश की जनता के चौकीदार साहब और उनकी सेना की ओर से किया जा रहा है। अब देखिए, देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना की जो मार पड़ रही है उसके बाद नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन की फहरिस्त भी तैयार होने लगी है। अब यूं तो कोरोना वैक्सीन लोगों की नसों तक पहुंच रही है, लेकिन कोरोना का ये कांटा एक बार फिर पैर पसारने लगा है। हिंदुस्तान की हुकूमत लोगों को आगाह कर रही है कि दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो क्या कहिएगा जनाब। और ये तस्वीरें इसलिए कि यहाँ चुनाव होने हैं। हिंदुस्तान के ये चौकीदार एंड पार्टी की चाहत ये कि चुनाव में उनका कमल खिल जाए। लोगों के लिए बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं धड़ाधड़ चल रही हैं। लोगों की भीड़ जुटाने के लिए सियासी तौर पर ठेके दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब बात वोट तंत्र की होती है तो फिर सब कुछ बुला भी दिया जाता है। जैसे हमारे हुक्मरानों ने इस कोरोना के इस दौर में चुनाव के चलते सब कुछ भुला दिया। क्या यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है? क्या यहाँ लोगों के चेहरों पर मास्क है? क्या यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने की व्यवस्था है? जी नहीं जनाब, यही तो हिंदुस्तान के चौकीदार की कहानी है। अब देखिए, देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब पश्चिमी बंगाल और आसाम में तो 27 मार्च से ही वोटिंग शुरू हो रही है। बंगाल में तो 8 दिन तक वोटिंग होगी, आसाम में 3 दिन वोटिंग होगी, फिर तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो क्या यहाँ मतदाताओं की भीड़ नहीं जुटेगी? क्या यहाँ राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का मजमा नहीं लगेगा? लगेगा साहब, सब कुछ होगा, लेकिन चुनाव का माहौल है तो फिर किसी को फिक्र नहीं इस कोरोना की, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में रोज लोगों की जान जा रही है। जहां एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर होड़ मची हुई है। साहब, अब असल जिम्मेदारी तो हमारी हुकूमत के वजीर आला की ही है। राज्यों को निर्देश भी इन्हीं की ओर से दिए जाते हैं, थालियां भी इनके ही आदेशों के बाद लोग बजाते हैं, तालियां भी इन्हीं के आदेशों के बाद बजाते हैं। लोग इन्हीं के आदेशों के बाद घरों में कैद होने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। तो साहब, खुद को हिंदुस्तान का चौकीदार कहने वाले हमारे मोदी जी को क्या कोरोना से डर नहीं लगता? लोगों की इस भीड़ को अगर कोरोना का डंक पड़ेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जनाब, रैलियां, सभाएं और भाषण अपनी जगह हैं, बस हिंदुस्तान की पहली जरूरत तो कोरोना से बचाव ही है, ताकि फिर लोग लॉकडाउन के चलते बेरोजगार ना हो जाए। जरा सोचिए चौकीदार साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।